नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के ऐतिहासिक पीआरएस कॉलेज के मैदान में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा आयोजित होने वाली पतंगबाजी प्रतियोगिता के 25 साल हुए। हम आपको बता दें, धन परिवार हिंदू उत्सव समिति ने पतंगबाजी प्रतियोगिता का आगाज जब किया था, आज उसके 25 साल पूरे हुए। ये आयोजन मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। धन परिवार चाहता है गुजरात में जिस तरीके से पतंगबाजी होती है, ठीक उसी तरीके से रीवा के ऐतिहासिक मैदान में पतंगबाजी का आयोजन किया जाए। रीवा के ऐतिहासिक टीआरएस कॉलेज के मैदान में धर्म उत्सव परिवार हिंदू समिति के द्वारा पिछले 25 साल से पतंगबाजी का प्रतियोगिता का आयोजन मकर संक्रांति के दिन किया जा रहा है। इस बार भी टीआरएस कॉलेज के मैदान में कुछ ऐसा ही नजारा देखने में नजर आया। गर्व की बात है कि पिछले 25 वर्ष से इस कार्यक्रम के आयोजक श्री नारायण बिजवानी जी के नेतृत्व में हो रहा है और बहुत ही जो है छोटे छोटे बच्चे पूरे शहर के यहाँ आते हैं और पतंग उड़ाते हैं। भाई एकता और सहिष्णुता और का जो है ये पर्व है और इसके लिए हम नारायण बिजवानी साहब को हार्दिक बधाई देते हैं। आज इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं रीवा नगर के वासियों को हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद देते हैं और यह 25वां वर्ष है जो पतंग प्रतियोगिता इस बिंद भूमि में मनाई जा रही है। इसका पूरा श्रेय वैद्य बटुक प्रसाद हिंदू उत्सव समिति के जो संस्थापक सदस्य थे और नारायण डिगवानी जी को जाता है कि उन्होंने यहाँ पर एक पतंग का एक अभिनव माहौल बिंद भूमि में तैयार करने का कार्य किया है और इस ठाकुर अरमत सिंह महाविद्यालय में जो यहाँ का प्रांगण जो है ये हमेशा इन ऐसे उत्कृष्ट कार्यों के लिए सदैव प्रदत्त रहेगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि यह नया वर्ष आप सबके भविष्य के लिए उज्ज्वलमय हो और फलदायी। मकर संक्रांति की नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विगत 25 वर्षों से हम लोग मकर संक्रांति के पर्व पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर बच्चे छोटे बड़े और समाज के धर्म के सभी धर्म के लोग को आकर यहाँ पतंग उड़ाकर और आयोजन का सफल बनाते हैं। ये हमारे नारायण अंकल द्वारा और वैद्य प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा ये 25 वर्ष हमारे पूरे हो रहे हैं। इसको रजक जयंती के रूप में हम लोग मनाना चाह रहे हैं। इसको लेकर हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार केवल मकर संक्रांति ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के जितने भी पावन त्यौहार हैं सब में, चाहे वो गणेश उत्सव हो, चाहे गणेश विसर्जन हो, चाहे माता जी का दरबार हो, हर त्योहारों में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाता है और हम सब मिलकर भाई नारायण डिगवानी जी के नेतृत्व में काम करते हैं। मैं हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार का एक छोटा सा सिपाही हूँ और उस सिपाही के दायित्व को निभाते हुए हिंदू उत्सव समिति के सभी धर्मों के पालन करने में हम अपनी अहम भूमिका। हाँ बताइए। हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार मकर संक्रांति पर्व पर सभी नगरवासियों देशवासियों को शुभकामनाएं देता है। आज हिंदू धर्म का ये नव वर्ष प्रारंभ हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि रीवा नगर में यह पतंग मेला या पतंग प्रतियोगिता की तरह 1999 से प्रारंभ हुआ था, आज उसका 25वां वर्ष है। इसका उद्देश्य यही है कि इसमें आपसी भाईचारा सौहार्द में फैले, सभी पतंगबाज बच्चे बूढ़े सब आनंद उठाएं और पूरे देश में एकता का संदेश हो और हमारी चाहत है कि हम गुजरात की तरह रीवा नगर के पतंग मेले को ऐतिहासिक और प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला रूप प्रदान करें। धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।